अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस के लिए चिकन सैलड, जो मैंने अपने तरीके से बनाई हूँ। मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है, एक हेल्दी सैलड प्रिपेयर किया है मैंने। ये आप लंच में भी खा सकते हो, आप डिनर में भी खा सकते हो, और बहुत ही हेल्दी टेस्टी बनता है ये। इसमें क्या क्या डालेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे हम ऑयल। क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ, ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें वेजिस को सॉटे करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अगर एक पर्सन के लिए बनाएंगे तो 2 टीस्पून ऑयल लेना। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी वेजिस कट करके रखे, ऑरेंज गाजर लिया है मैंने, फ्रेंच बीन्स लिया है, मशरूम लिया है। ठीक है, आप चाहो तो आप इसमें ब्रोकली डाल सकते हो, और शिमला मिर्च डाल सकते हो, बेल पेपर्स डाल सकते हो, एवोकाडो डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको जो डालना है आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास जो अवेलेबल था वो वेजीज मैंने कट करके रख लिया। ठीक है, ये सारे फ्रेश वेजीज मैंने कट किए। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। आपको इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके, आप चाहो तो आप स्टोर करके भी रख सकते हो फ्रिज में, एक जिप लॉक बैग में डाल के इस तरह से चॉप करके। अब हम ये ऑयल में सारे वेजेस को स्टर फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हम ये बॉयल्ड श्रेडेड चिकन। चिकन को मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट डाल के बॉयल किया था, और चिकन को निकाल के फिर बॉयल होने के बाद श्रेड कर लिया। और जो स्टॉक इसका रहेगा चिकन का, उसे भी हम यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि उसे हमें क्या करना है। मोटा मोटा श्रेड करना है आपको चिकन, क्योंकि हम सैलड बना रहे हैं। ठीक है, ये तकरीबन 200 ग्राम चिकन होगा। अब यहाँ पे देखिए जो चिकन का स्टॉक था उसमें मैंने फ्रेश कॉर्न्स डाल दिए बॉईल करने के लिए। ये बॉईल भी हो जाएगा, और ये स्टॉक जो है हम स्टर करने के लिए यूज़ करेंगे वेजीज में। ठीक है, देखिए अच्छे से स्टर फ्राई हो गए हैं वेजीज ऑयल में। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉर्न्स बॉईल किए ना, पहले वो पलटेंगे थोड़ा थोड़ा करके, इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा वेजीज के साथ उसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद फिर जो हमने स्टॉक, जो बचा हुआ स्टॉक है, वो भी हम यूज़ करेंगे, ताकि हमारे वेजीज जो है थोड़ा सा क्रंची रहे। ठीक है, देखिए सारे कॉर्न्स मैं ऐड कर रही हूँ। कॉर्न्स को ऐड करने के बाद आपको थोड़ा मिक्स कर देना है उसे अच्छे से, और उसके बाद हम जो स्टॉक है ये देखिए, ये सारा स्टॉक हम इसमें पलट देंगे, और फास्ट फ्लेम पे आपको इन वेजीज को कुक करना है। स्पून से मिक्स कर दीजिए अच्छे से, और वेजीज को कुक कीजिए। फास्ट फ्लेम पे कुक किया मैंने इसे 2 से 3 मिनट। अब मैं डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। सीजनिंग के जो भी चीज़ें आप डाल रहे हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब डालूँगी मैं इसमें पेरी पेरी स्प्रिंकल, पेरी पेरी पाउडर मसाला है ये, वो मैं ऐड कर रही हूँ। मुझे जितना चटपटा चाहिए मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ, आप भी वैसे ही ऐड कीजिएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब इसे अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। आप चाहो तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, हरी मिर्च और कोथमीर भी डाल सकते हो। मैंने पेरी पेरी मसाला डाला है इसलिए मैं ब्लैक पेपर और हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, मुझे सिर्फ उसका टेस्ट चाहिए इसीलिए। ठीक है, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया बॉयल्ड चिकन। अब बॉयल्ड चिकन डालने के बाद हम इस स्टॉक को कुक करेंगे ढक कर। ठीक है, वेजीज को स्टॉक के साथ हम कुक करेंगे ढक कर स्लो फ्लेम पे। ये देखिए स्लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट, ताकि सारा जो हमने ऐड किया है इसमें स्पाइसेस, वो अच्छे से मिक्स हो जाए सब में। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया, ये तैयार हो गया है। ये देखिए इसे ठंडा होने देंगे, और अब हम तैयार करेंगे इसकी ड्रेसिंग, जो हम इसमें ऐड करेंगे दही। और दही में क्या क्या डालेगा वो मैं आपको ड्रेसिंग बना के बताती हूँ, जो हम सैलड में ऐड करने वाले हैं। आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, आप इसमें इस वक्त इस टाइम पे जब आप स्टर फ्राई कर रहे हो 5 से 7 मिनट ढकने से पहले, आप उस वक्त इसमें टमाटर भी काट के डाल सकते हो।
अगर आपको थोड़ा सा खट्टा टेस्ट चाहिए तो, ठीक है। और अगर टमाटर नहीं तो, अगर आपके पास चेरी टमाटो अवेलेबल है तो वो डालिए। तो चलिए आइए ड्रेसिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। अब एक बाउल में हम डाल देंगे एक प्याली दही। ये देखिए मैंने डाल दिया। इसे अच्छे से फेंट लेंगे, लम्स बिल्कुल नहीं रहने देना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मैं एक प्याली दही ले रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप अगर अकेले एक पर्सन के लिए बना रहे हो तो आप 2 से 3 टीस्पून लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। वैसे दही से कोई नुकसान नहीं होता है, तो आप अगर ज़्यादा डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं। तो अब सारे वेजीज को हम इस दही में पलटेंगे। जितनी क्वांटिटी आप बना रहे हो उतना आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मुझे जितना चाहिए मैंने उतना ले लिया, डाल दिया मैंने। ये अभी भी हल्का सा गर्म है, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम कुछ चीज़ें और स्प्रिंकल करने वाले हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद अब फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप अनार। इससे थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा आपको सलाद में, तो और टेस्टी लगेगा। आपको बोरिंग सलाद नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप अनार ऐड कर दीजिए। अब ऐड करेंगे हम इसमें मिक्स हर्ब्स, ये भी हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करेंगे। थोड़ा सा आपको अगर चाहिए तो आप 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब डालेंगे पार्सली, ये हो गया। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा, फिर से हम ऐड करेंगे चाट मसाला, हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे बिकॉज पहले भी हमने ऐड किया दही में। और जाएगा इसमें पेरी पेरी मसाला, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। स्पून की हेल्प से अच्छे से ऊपर नीचे करके सारे स्पाइसेस को सैलड में मिक्स कर दीजिए दही के साथ, ताकि सारा जो मसाला हमने इसमें ऐड किए थे वो मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया, जो हमने वेजीज को सॉटे किए थे ना फ्राई पैन में, वो मैंने रख दिया। आप इस तरीके से इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हो, ताकि लेटर ऑन जब आपको खाना हो डिनर में या लंच में, आप डायरेक्टली इसे फ्रिज से निकाल लीजिए और दही में मिलाकर खा लीजिए। टाइम सेविंग, ये ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से करके रख सकते हो। तो ये देखिए हमारा चिकन सैलड बनके तैयार हो गया। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप चिकन की जगह इसमें पनीर डाल सकते हो, या टोफू ऐड कर सकते हो, ब्रोकली ऐड कर सकते हो, या फिर अवाकाडो भी ऐड कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरीके से सैलड बना के, हेल्दी सैलड बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बना था ये। आपको बोरिंग सैलड खाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डाइट पे हो। इस तरीके की अमेजिंग टेस्टी सैलड बनाइए और एंजॉय कीजिए आपका मील, ठीक है। और आप ये खा सकते हो लंच में और डिनर में भी। आपको तकरीबन 8 बजे या 9 बजे तक के ये खा लेना है, परफेक्ट, फुल टमी हो जाएगा आपका और आपको बहुत टेस्टी लगेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर और भी हेल्दी सैलड्स चेक करना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।